मेरे पास आज की डेट में 10 रुपए नहीं बचे हुए। सारा जितना मेरा पैसा था, जितना मैंने कमाया, वो परिवार से रोक रोक के, पेट काट के, जो भी करना है वो करके हमने निकाला और लास्ट में हमने सब इस पे लगा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ। अब इससे आगे सोचा था कि यहाँ से कुछ निकल के आएगा तो फिर वापस हम ट्रैक पे आएंगे, पटरी पे आएंगे। ये कोरोना के बाद हमारे पे डबल मार पड़ गई है। बिल्कुल। अब क्या सोचा है? हम इस समय वार्ड नंबर 4 जो सिंहधार का इलाका है, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं, इससे आगे ज़्यादातर एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और मेरी मुलाकात हुई अनूप डिमरी जी से। अनूप जी आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन आपने सोचा कि मुझे रिवर्स माइग्रेशन करना चाहिए। जब मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कोरोना में वापस आए, एक छोटा सा होम स्टे बनाया, और लेकिन आज जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट होता है। बहुत कष्ट है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने इतने सालों बाद कोरोना के बाद जो दर्द फील किया, तो हमें लगा कि चलो हम अपने पहाड़ में फिर से कुछ करें, रोज़गार के जो सीमित संसाधन है उसमें भी प्रॉब्लम ये हुई कि हमने जैसे तैसे ये छोटा सा होम स्टे बनाया, 4-5 रूम बना के, कि चलो टूरिज्म का या तीर्थाटन की वजह से चलेगा। आज हालात ये है कि ये बन के बिल्कुल रेडी है, शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने की बिल्कुल कगार पे था, और ये नई आपदा हमारे सामने है। अब ये समझ नहीं आ रहा हम यहाँ जाएँ या वहाँ जाएँ, कहाँ हम चले जाएँ। अभी जितनी आपने पूंजी कमाई थी वो सब लगा दी? सब लगा दिया। मेरे पास आज की डेट में 10 रुपए नहीं बचे हुए। सारा जितना मेरा पैसा था, जितना मैंने कमाया, वो परिवार से रोक रोक के, पेट काट के, जो भी करना है वो करके हमने निकाला और लास्ट में हमने सब इस पे लगा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ। अब इससे आगे सोचा था कि यहाँ से कुछ निकल के आएगा तो फिर वापस हम ट्रैक पे आएंगे, पटरी पे आएंगे। ये कोरोना के बाद हमारे पे डबल मार पड़ गई है। बिल्कुल। अब क्या सोचा है? अब तो बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो गया। आजकल तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रातों की नींद उड़ी हुई है। 1 घंटे नींद आ जाती है, उसके बाद 6 घंटे तो हम यही सोचते रहते हैं कि अगला क्या कदम होगा। बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे तो अभी वहीं हैं। मतलब हालात आजकल ये है कि एक तरफ बच्चे हैं, दूसरी तरफ मैं पढ़ा हुआ हूँ। 2 महीना 3 महीना 4 महीने से मैं वहाँ बच्चों से मिलने तक नहीं जा पा रहा हूँ। और ये भी पता नहीं अब कब तक होता है, नहीं होता है, क्या ऊपर वाला चाहता है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। विस्थापन और पुनर्वास? विस्थापन के ऊपर तो सीधी सी बात है, सरकार जो कह रही है कि हम 4,000 रुपये किराया दे देंगे, 2 महीना 4 महीना मिलेगा, उसके बाद आदमी क्या करेगा, कहाँ खाएगा। और अगर मान लीजिए पीपल कोटी या गौचर में ये लोग विस्थापन करते भी हैं, जो ये कह रहे हैं, गौचर में रेलवे टनल का काम चालू है, आप अभी भी आप जाके एक बार देखिएगा, वहाँ भी हल्का फुल्का स्टार्ट हो गया है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना। और पीपल कोटी इसी डैम प्रोजेक्ट का अगला फेज़ है, वहाँ भी यही हाल है। आज यहाँ से उठा के वहाँ विस्थापित कर देंगे, 5 साल बाद कहेंगे यहाँ भी प्रॉब्लम हो गई है, फिर कहाँ जाएगा आदमी। ये तो मुझे लगता है हम खाना बदोश जीवन पे वापस आने वाले हैं। हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद हम कहीं ना कहीं जाके फिर शिफ्ट होते रहेंगे। क्या करें समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। अनूप जी के लिए वाकई ये बहुत कष्ट का समय। आप सोचिए, हमारा पहाड़ी आदमी जब बाहर रहता है, वो कम पैसे खर्च कर किसी तरह पाई पाई अपनी इकट्ठा करके वो सोचता है मैं घर वापस जाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, वहाँ कुछ रोजगार शुरू करूंगा, वापस अपने पहाड़ में रहूंगा। अनूप भाई ने भी अपना सपना देखा, लेकिन ये सपना जैसे ही पूरा होने के कगार में था, यहाँ एक तरह की मैं कहूँगा दरारों की त्रासदी आ गई। और अब उनको कहा जा रहा है घर छोड़ो, विस्थापन होगा, तमाम उनके सवाल हैं। लेकिन वाकई जोशीमठ में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वाकई ये बहुत मुश्किल घड़ी, एक तरह का आपातकाल है उनके जीवन के लिए। मैं तो भगवान बद्री विशाल से ही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाओ। आप सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, आप चाहें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जोशीमठ के लोगों के लिए रास्ता जरूर निकलना चाहिए।